नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर रेनु गुसाई अपने चैनल पंजाबी चटोरे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस, खाने में भी स्वादिष्ट ओट्स के मसाला ओट्स जो है वो हम नाश्ते में आप तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप ओट्स लिए हैं और इनको हम रोस्ट करेंगे हल्का सा। उसके साथ ही उसके अंदर डालने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्ची काट लिया है, 1 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन यहाँ पर काट लिया है, कुछ मैंने मटर के दाने यहाँ पर बॉयल कर लिए फ्रेश मटर के, 1 प्याज कटा हुआ लिया है, 1 गाजर कटी हुई ली है, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है। इसके साथ ही साथ मसाले के अंदर हम मैगी मसाला जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मसाला ओट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने 1.5 कप यहाँ पर ओट लिए हैं, उन ओट्स को हम हल्का हल्का भूनेंगे, गैस को हम धीमा रखेंगे, कढ़ाई को मतलब हम बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, लेकिन जैसे ही ये भून जाएंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू जो है आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो ये 4 से 5 लोगों के लिए जो है नाश्ता सफिशेंट है 1.5 कप ओट्स का। तो अब हम इसको हल्की आँच पर 2-3 मिनट के लिए भून देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ओट्स को 2-3 मिनट के लिए हल्का हल्का भून लिया है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब 1.5 कप ओट के अंदर हम 3 कप पानी से इनको बॉयल कर लेंगे। पहले बॉयल में हम तेज आंच पर इसको बॉयल कर लेंगे, गैस को हम तेज कर देंगे और जैसे ही फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो धीमी आंच पर हम इसको 2 मिनट तक ढक के पका लेंगे। इस तरह से अगर आप भूनकर बना लेते हैं तो आपके पास ये फीके ओट्स तैयार हो जाते हैं। इनको अगर आप चाहें कुछ ओट्स को मीठा भी बना सकते हैं और कुछ को मसालेदार भी बना सकते हैं। तो एक बार आप फीका बॉयल कर लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन तैयार हो जाएंगे। ओट्स में 1 उबाला आ गया है, गैस को धीमी कर देंगे और अब हम बिल्कुल धीमी आंच पर 2 मिनट तक इसको ढककर पका लेंगे। तब तक ये तैयार हो जाएंगे, इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक हमारे ओट्स गलते हैं पानी में तब तक हम दूसरी पैन के अंदर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाला है, गैस को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लहसुन और अदरक जो हमने काट कर रखा है ये डालेंगे, हल्का सा इनको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है, थोड़ा सा बस। इनको भूनते ही हम इसके अंदर अब सबसे पहले मटर डाल देंगे। और इसके साथ ही डालेंगे हम प्याज, हल्का सा हम इनको भूनेंगे। मटर को मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था क्योंकि कच्चे मटर अच्छे नहीं लगते। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर गाजर को डालेंगे और हरी मिर्ची को डाल देंगे, शिमला मिर्च को हम सबसे लास्ट में डालेंगे। सारी सब्जियों को हम स्टर फ्राई करेंगे, तेज आंच पर हम इनको भूनेंगे। इन सब्जियों को हमने 2 मिनट के लिए यहाँ पर स्टर फ्राई कर लिया है बहुत तेज आंच पे। अब हम लास्ट में हम इसमें शिमला मिर्ची डालेंगे, 1 मिनट हम इसको पका लेंगे और उसके साथ साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्ची। और साथ ही साथ क्योंकि हम मसाला ओट बना रहे हैं मैगी मसाला डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो 1 पैकेट मैंने यहाँ पर ये मैगी मसाला का डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। और अब हम जो हमने यहाँ पर ओट्स जो हमारे बॉयल हो गए हैं उनको इसके अंदर डालें। ओट्स हमारे 2 मिनट में इस तरह से बॉयल हो गए हैं और अब हम ये ओट्स इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको गाढ़ा या पतला, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर और पानी डालना चाहे, पतला करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इस तरह से ही बिल्कुल सूखा सूखा जो है पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। देखिए 5 मिनट के अंदर हमारे
जो मसाला ओट्स हैं बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है। खाने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और न्यूट्रिशियस तो आपको मालूम ही है कि ये बहुत ज़्यादा है, ग्लूटेन फ्री है। अब थोड़ा सा हम हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा इसको अब ढक देंगे, हम 2 मिनट के लिए इनको रेस्ट देंगे, ढक देंगे इसको, और उसके बाद जो है हम ये सर्व करने के लिए तैयार हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। लीजिए, तैयार हैं झटपट तैयार हो जाने वाले और बहुत ही न्यूट्रिशियस 1 पॉट रेसिपी, हमारा बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप इसको इसी तरह से बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे, और पसंद आने पर मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।